नमस्कार एपीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत चुके सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। सतीश कौशिक के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड में एक गम का माहौल है। सतीश कौशिक का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। फैन से लेकर सेलेब तक हर कोई इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा है कि एक्टर अब उनके बीच में इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वहीं अनिल कपूर की लीड रोल वाली फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के किरदार से खासकर पहचान बनाने वाले सतीश कौशिक के परिवार में बीवी शशि कौशिक और बेटी वंशिका है, जिनके लिए वह करोड़ों की संपत्ति पीछे छोड़ गए। वहीं सतीश कौशिक का दिल्ली से गहरा नाता रहा है। उन्होंने अंतिम सांस भी दिल्ली में ली। दिल्ली में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और एक्टिंग के गुर सीखे। इसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और 1983 में एक्टिंग डेब्यू किया। सतीश कौशिक के निधन की जानकारी उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी थी। उन्होंने लिखा, जानता हूँ मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश, ओम शांति। तो इस तरीके से अनुपम खेर ने एक श्रद्धांजलि अर्पित की अपने दोस्त सतीश कौशिक को। वहीं कंगना रनौत ने सतीश कौशिक के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, इस भयानक खबर से उठी, वे मेरे सबसे बड़े चीयर लीडर थे और ये एक बहुत ही सफल अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक जी व्यक्तिगत रूप से बहुत दयालु और सच्चे इंसान थे। मुझे उन्हें एमरजेंसी में निर्देशित करना बहुत पसंद था, उनकी कमी खलेगी, ओम शांति। इसके अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि अर्पित की। सतीश कौशिक एक जिंदा दिल व्यक्ति थे और उनकी जिंदा दिली के उनके सभी दोस्त कायल थे। यारों की यार कहलाए जाने वाले सतीश कौशिक ने करियर में भले ही कई सफलताएं हासिल की हो, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें कई दुखों का सामना भी करना पड़ा था। सतीश कौशिक ने साल 1985 में शशि कौशिक के साथ शादी की थी। इसके बाद उन्होंने अपने घर में एक नन्हे मेहमान का स्वागत किया और उनके बेटे शानू कौशिक का जन्म हुआ। कौशिक अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे थे और तभी करीब 2 साल की उम्र में उनके बेटे का निधन हो गया। अपने जिगजिगर के टुकड़े को खोने के बाद एक्टर काफी टूट गए थे। इसके बाद उनके घर में किलकारी नहीं गूंजी, लेकिन 56 साल की उम्र में सतीश कौशिक एक बार फिर अपनी जिंदगी में रंग भरने का फैसला किया और सैरोगेसी के जरिए उन्होंने अपनी बेटी का स्वागत किया। साल 2012 में सैरोगेसी के जरिए सतीश कौशिक और शशि कौशिक एक बार फिर पेरेंट्स बने। अब एक्टर की मौत के बाद उनकी पत्नी और उनकी बेटी बिल्कुल अकेले रह गए। तो ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।